बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखी होंगी और आप मीटर सेंटीमीटर की टर्म को समझ गए होंगे। चलिए आज आपकी परीक्षा लेते हैं। कक्षा 3 क्या लंबा क्या छोटा में भाग 4 में, इसमें आपकी पुस्तक में से करवा रहे हैं। अब समझ गए होंगे ना, 1 मीटर इतना होता है, सेंटीमीटर कम होता है और किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो किलोमीटर तो गांव से शहर की दूरी है। अच्छा बताओ कैसे मापेंगे, गन्ने की ऊंचाई किलोमीटर में मापेंगे क्या? किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है, सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, सेंटीमीटर मापेंगे क्या? सोचो जरा, मीटर में, हाँ मीटर में माप लेंगे बच्चों। देखो मीटर स्केल है ना हमारा, है गन्ने की लंबाई लगभग 2 मीटर भी हो सकती है, 3 मीटर भी हो सकती है ना। इस मीटर स्केल से गन्ने की लंबाई को हम माप सकते हैं। कुएं की गहराई क्या किलोमीटर में आएगी? नहीं, किलोमीटर में तो नहीं आएगी, किलोमीटर में तो गांव से शहर की दूरी, दिल्ली से कैथल की दूरी वो होती है, तो इसको हम मीटर में मापेंगे। अच्छा बालिश की लंबाई, ये देखो ये, या पेन की लंबाई, क्या इसको मीटर में माप लें? मीटर तो बड़ा बड़ा होता है ना इतना, तो इसको कैसे मापें? इसको हम इस सेंटीमीटर की सहायता से माप लेंगे। सेंटीमीटर है ना, देखो ये कितनी है, लगभग 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर आएगी, 14 सेंटीमीटर आएगी या 15 सेंटीमीटर आएगी। अरे बच्चों आप जाने गए हैं कि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, और आपने छोटी जो लंबाइयाँ हैं वो मीटर में मापनी है, और जो बहुत ही छोटी लंबाई है जैसे पेन जितनी छोटी लंबाई वो सेंटीमीटर में मापनी है, और जो बड़ी बड़ी दूरियाँ हैं वो किलोमीटर में मापनी है। अब आपने अपनी पुस्तक के पेज नंबर 57 पर ये आगरा का नक्शा दिया हुआ है, इसमें आपने देखना है कि कौन सा कितने किलोमीटर दूर है, और ये नक्शा आपने खुद करना है। चलो सर ये हिसाब लगाओ, सही लंबाई का से मिलाओ। एक केंचुए की लंबाई, केंचुए की लंबाई कितनी हो सकती है? केंचुए तो बहुत छोटा होता है ना, तो कितनी आएगी सोचो जरा, क्या 1 सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर तो बहुत ही कम होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा आएगी उसकी, तो लगभग मीटर आएगी क्या? मीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, मीटर भी नहीं आएगी, लगभग इतनी आएगी, तो ये 10 सेंटीमीटर के नज़दीक आएगी, इसको इससे मिला देंगे। एक बच्चे की लंबाई, ये देखो बच्चा है, बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है बच्चों? आप हिसाब लगा सकते हैं, 1 मीटर इतना होता है ना, 1 मीटर स्केल कितना है हमारा, इतना इतना सा होता है 1 मीटर स्केल, या इतना भी हो सकता है। देखो मैंने बताया था अभी आपको करके, ये देखो ये रहा, तो बच्चे की लंबाई को तो हम मीटर में ही माप लेंगे ना, ये तो क्लियर है, तो ये बच्चे की लंबाई को 1 मीटर से मिला देना, इससे मिला देना। अब नाखून की लंबाई, ये देखो नाखून है आपका सेंटीमीटर है, तो इसको 1 सेंटीमीटर, लगभग 1 सेंटीमीटर। सारे की लंबाई क्या किलोमीटर? तो बहुत लंबा होता है ना, किलोमीटर में नहीं 5 मीटर। और ये जो स्कूल से घर है ये किलोमीटर, बहुत दूरी, ज़्यादा दूरी है, इसको किलोमीटर में हम माप लेंगे। इस प्रकार से आपने चैप्टर 4 करना है। और किसकी पूंछ सबसे लंबी, ये जानवरों में से पूंछ देख के खेल खेल में हिसाब लगाना है। अगली वीडियो में हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे, बने रहिएगा, देखते रहिएगा मेरे साथ, मजे मजे में गणित करते रहिएगा। धन्यवाद।